हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें। और आप हैं ज्योति के साथ। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग सोच रही थी करने के लिए, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना अपने कुछ टिप्स आपको भी मैं दूँ, जिससे आप भी जो आपकी चाहत होती है ना कि अपने पति को वश में कैसे करें, अपने पति और अपने के बीच का जो प्यार है, यानी पति पत्नी के बीच का जो प्यार है उसे कैसे बढ़ाएं, कैसे पति को हमेशा खुश रखें, ये सारी चाहत तो हर औरत की होती है कि मियां बीवी का रिश्ता हमेशा खुशहाल रहे। थोड़े अप डाउन्स आते हैं, ये समय और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन हमें अपनी तरफ से पूरे प्रयास करने चाहिए। हम प्रयास करेंगे उसका फल ज़रूर मिलेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, लेकिन हाँ 100% ये गारंटी कि इसका फल ज़रूर मिलेगा। तो मैं आज कुछ आपको टिप्स दूंगी। आज की टिप्स हैं पुरुषों के लिए, पुरुषों से रिलेटेड, यानी हस्बैंड से रिलेटेड, कि हस्बैंड को क्या वो चीज़ें अच्छी लगती हैं जिन्हें कि औरतें ज़रूर जानें और वो ही करें, जिससे कि उनके हस्बैंड उनको और ढेर सारा प्यार करें और उनके वश में आ जाएं, उन पे मर मिटे, उनके चारों तरफ चक्कर काटे और लट्टू बन के नाचें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो यार, अभी तक नहीं किया हद है यार, कर लो भाई, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा कोई चार्जेस नहीं है। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आप मेरे सारे अपलोड्स तुरंत के तुरंत तरोताज़ा बिल्कुल देख सकें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में जो है, बीवी हमेशा यानी पत्नी की बहुत सारी चाहतें, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, जो बिल्कुल फ्रंट होके पत्नी अपने पति से कह देती कि देखिए जी हमें ये पसंद नहीं है, देखिए जी हमें वो पसंद नहीं है, आप हमसे ऐसे बात किया करिए, हमें ये पसंद है, हमें यहाँ ले चले, हमें वहाँ। वैसे ही पुरुषों की भी बहुत सारी इच्छाएँ होती हैं, आकांक्षाएँ होती हैं अपनी पत्नी से, लेकिन वो ना कह नहीं पाते हैं और सोचते हैं कि मेरी पत्नी बिना कहे ही ये बातें समझ जाए। और जो है, अगर वो बातें आप बिना कहे ही अपने पति की समझ जाएंगी ना, तो देखिएगा आपका रिश्ता कितना खुशियों से भर जाएगा और आपके पति आपको बहुत सारा ढेर सारा प्यार देंगे, सम्मान देंगे। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं जानने के लिए, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें आप अपनाकर अपने पति को और ज़्यादा जो है अपने करीब ला सकती हैं, और ज़्यादा उनसे प्यार पा सकती हैं और अपने वश में कर सकती हैं। तो चलिए उन बातों को जान लेते हैं फटाफट से। तो जब सबसे पहली बात आती है कि हम कौन सी ऐसी बात पे ध्यान दें, तो वो बात है सम्मान दें। यस, अगर आप अपने पति के दिल में प्यार जगाना चाहते हैं और अगर प्यार को बढ़ाना चाहते हैं, तो उन्हें सम्मान जरूर दें। सम्मान सबकी ज़रूरत है, सबको चाहिए, और ये एक बहुत ही बेसिक सी हमारी नीड होती है। अगर आप अपने पति को, मान लीजिए आप जान के नहीं करते हैं, आपकी आदत में है कि आप कुछ भी बोलने से पहले सोचते नहीं हैं कि कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं हैं, कितने लोग हैं, और आप कुछ भी छोटी मोटी गलती पे भी फट से उनको बोल देते हैं, तो ये उन्हें बुरा लग सकता है और आपके बीच में दूरियाँ आ सकती हैं। तो ऐसा कभी ना करें, उनको सम्मान दें, उनकी हर अच्छी बातों को अप्रिशिएट करें और उसके लिए उन्हें सम्मानित करें। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रशंसा करें। प्रशंसा या तारीफ सिर्फ औरतों का ही एक इस पे हक नहीं होता है कि सिर्फ औरतों को ही तारीफ सुनना पसंद है कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम कितनी गुणवान हो, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी जैसी पत्नी पाकर तुम मेरे भाग्य के खुल गए। ये सब पति जब बोलता है तो पत्नी को बड़ा ही लुभावना लगता है, लेकिन क्या पति नहीं चाहते कि आप उनकी तारीफ करें? जी हाँ, बिल्कुल चाहते हैं कि आप भी उनकी उतनी ही तारीफें करें जितनी की वो आपकी करते हैं। तो समय समय पे अपने पति की तारीफ ज़रूर करें, उनके अच्छे कामों की, उनके कभी अगर वो बहुत अच्छे, उनका जो है लुक बहुत अच्छा लग रहा है तो उसकी तारीफ कर दें, कभी वो बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो उसको भी बोल दें, कोई बहुत अच्छा काम किया, कोई बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी है, कोई गुण है तो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करें। और सिर्फ अकेले में ही नहीं, उसको जो है दुनिया के सामने, जब आप साथ में हैं, जब आप सबके बीच में हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि देखिए मेरे हस्बैंड ने ना ये बहुत अच्छी आदत है,
मेरे हस्बैंड ये बहुत अच्छा करते हैं, तो उन्हें भी लगेगा कि आप सच में उनकी तारीफ। फिर उसके बाद आती है कि आप अपने पति के हाथों में हाथ डालकर चलें। कभी कभी लड़कियां या जो है पत्नियां थोड़ा सा बाहर के माहौल में अगर हस्बैंड टची से हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं तो उनको थोड़ा ऑकवर्ड लगे, क्या है आप तो हर वक्त, आप तो ये, आप तो वो। नहीं, आप पति पत्नी हैं। अगर वो चाहते हैं कि आप जो है हर जगह पर उनका हाथ थाम के चलें, बाजार हो, मार्केट हो, या कोई पार्क हो, या कोई भी पब्लिक प्लेस हो, अगर वो चाहते हैं कि आप उनके हाथ में हाथ डाल के चलें और वो शो करना चाहते हैं कि देखिए हमारे बीच में कितना प्यार है, या हम एक दूसरे की कितनी केयर करते हैं, या हम कितने रोमांटिक कपल हैं, तो इसमें क्या गलत बात है। आप उनकी इच्छाओं का सम्मान करें और हाथ में हाथ डाल के चले, अगर वो चाहते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अगर वो चाहते हैं तो उनकी इच्छाओं का सम्मान ज़रूर करें। आता है हर जगह साथ दें, हालांकि हम हर जगह उनके साथ नहीं रह सकते हैं, उनका अपना ऑफिस होता है, वर्किंग प्लेस होता है, कई जगह उनके अपने दोस्त यार होते हैं, लेकिन जहां भी आपके पति को आपकी ज़रूरत महसूस हो, जैसे कोई सोशल गैदरिंग होती है, कोई पारिवारिक फंक्शन होता है, उनके घर का कोई फंक्शन होता है, उनकी रिश्तेदारी में कोई फंक्शन होता है और वो चाहते हैं कि आप उनका साथ दें, उनके साथ रहें और वो आपके साथ जाना चाहते हैं, तो ऐसे मौक़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, उनके साथ जाना चाहिए और जो है उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो समय समय पे उनके साथ देने का ये काम ज़रूर करें, इससे भी आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा, मजबूत और मधुर होगा। बात ये है कि थोड़ा सा सजना संवरना, हालांकि बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ, कि हमें हर वक्त मेकअप करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पार्लर जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ता ही है। तो अगर आप अपने पति को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं और उनका प्यार बहुत ज़्यादा पाना चाहते हैं तो थोड़ा सा कभी कभी मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। पुरुषों को अधिकतर सजी संवरी और सलीकेमंद महिलाएँ ही पसंद आती हैं, तो अगर आप थोड़ा सज संवर के रहेंगी, थोड़ा अच्छे से रहेंगी, स्टाइल में रहेंगी, तो आपके पति आपको बेइंतहा प्यार करेंगे। तो थोड़ा सजना संवरना भी सीख लीजिए। अगली टिप्स है विश्वास। जी हाँ, विश्वास तो हर एक रिश्ते का आधार है, विश्वास पे ही दुनिया कायम है। हम ये सब बातें तो सुनते ही हैं लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। हमें अगर अपना रिलेशन बहुत अच्छा बनाना है तो हमें विश्वास वाले जो एक टिप है इसको अपनाना पड़ेगा। अगर आप अपने पति की हर छोटी बात बड़ी बात पे उनका लेखा जोखा लेने लगेंगे कि अच्छा तुम, मैंने फ़ोन किया था तो आप फ़ोन पे बिजी थे, किसका कॉल था, किसके साथ बिजी थे, ये है वो है, मतलब दुनिया तरीके क्वेश्चन आंसर, आप उनका फ़ोन चेक कर रहे हो, आप उनकी डायरीज चेक कर रहे हो, आप उनकी पॉकेट चेक कर रहे हो, तो ये सारी आदतों को छोड़ दीजिए, थोड़ा विश्वास रखिए। अगर आप विश्वास रखेंगी तो आपका रिश्ता और भी मजबूत और गहरा होगा। हर बात में मीन मेक और शक करना बहुत बुरी और गंदी आदत है। अगर आप में से किसी की भी ये आदत है तो प्लीज़ आज ही उस आदत को छोड़ दीजिए, छोड़ दो और बदल दो। अगला पॉइंट आता है स्पेस दे, यानी कि थोड़ा उनको उनकी जगह दे। हर इंसान अपनी लाइफ में थोड़ा स्पेस चाहता है, रिश्ता कोई भी हो, चाहे माँ बेटी का हो, बाप बेटे का हो, और पिता पुत्री का हो, मियाँ बीवी का हो, स्पेस बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे तो हर इंसान प्राइवेसी चाहता है, वो चाहता है कि हर वक्त कोई उनके हर काम में नाक ना घुसाए। तो ये जो एक बात है ना, ये पति पत्नी के रिलेशन में भी, माना कि हमारा जो है वो आपका है, आपका जो है वो हमारा है, हम दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, लेकिन पर्दा ना हो, स्पेस ज़रूर होना चाहिए कि अगर वो किसी से बात कर रहे हैं, अगर वो किसी कहीं जा रहे हैं, तो आप उन पर तुरंत बरस ना पड़े, आप उनसे तुरंत क्वेश्चन आंसर ना करने लगे, थोड़ा स्पेस देना सीखें, थोड़ा सा विश्वास करना सीखें, उनको खुद बताने दें, मौका आने दें कि वो खुद बताएं कि वो कहाँ गए थे, क्या, अगर आप उनको कोई ज़रूरत है, उनका कोई अपना एक कोई उनकी पर्सनल एक्टिविटी है या कोई इंटरेस्ट है, अगर वो संडे को अपने फ्रेंड्स के साथ टीवी देखना चाहते हैं, मैच देखना चाहते हैं, तो उन्हें करने दें, एक संडे ही तो उन्हें मिलता है। अगर वो चाहते हैं कि वो संडे को, हर संडे आप
आपके साथ बाहर ना जाके एक संडे वो, क्योंकि वो हफ्ते भर काम करते हैं, एक संडे वो घर पे रेस्ट करें, तो उन्हें करने दें। आप उनके पीछे डंडा लेके ना दौड़े कि अरे आपको एक संडे मिला है तो हमें भी तो एक संडे मिला है, आप बाहर जाएंगे तभी तो हम बाहर जा पाएंगे। ऐसा ना करें। अगर एक संडे वो आपके साथ जाते तो एक संडे उन्हें भी अपना इंडिविजुअल पर्सनल स्पेस दे दें कि वो जो चाहे वो कर सके, चाहे वो टीवी देखे, मूवी देखे, या फिर दिन भर चादर तान के सोए ही क्यों ना, तो स्पेस देना बहुत ज़रूरी। पति के काम को महत्व दें, ये है मेरी अगली टिप। देखिए, जब जिससे हमारा घर चल रहा है, जिससे हमारा परिवार चल रहा है, वो अर्निंग जो हो रही है, माना कि आप भी वर्किंग हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ होती है, बहुत सारी वर्किंग लेडीज होती हैं, लेकिन मोस्टली जो होता है ना, वो जो एक परिवार चलता है वो बेसिकली हस्बैंड की सैलरी पे ही चलता है। मैंने कई औरतों को कहते हुए सुना है, यार ना मेरी शादी तो किसी IAS ऑफिसर से हो रही थी, कहाँ से कहाँ तुम मेरे पल्ले पड़ गए, या यार तुम क्या ये करते हो, कोई अच्छी जॉब ढूंढो या प्रमोशन के लिए अप्लाई करो, कब तक तुम इस पोस्ट पे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे तो मतलब इंसान को ना बुरा फील होता है कि जैसे लगता है मैं बहुत छोटे पद पे हूँ और मेरी बीवी इससे जो है अपने आप को शर्मिंदा महसूस करती है, तो वो अपने आप में एक खींच होती है और वो अपने आप को आपसे काटने लगते हैं। तो ऐसा मत करिए। वो किसी भी पोस्ट पे है, वो आपकी नॉलेज में था जब आपकी शादी हुई थी, तो उनके काम को छोटा ना समझें, उनके काम को भी उतना ही सम्मान दें जितना कि आप अपने पति को देती हैं, उतना ही उनके काम से प्यार करें जितना कि आप अपने पति से करते हैं। धीमे धीमे उनको मोटिवेट करें कि वो आगे और तरक्की करें, लेकिन उन पर लादे नहीं कि नहीं उसकी तो हो गई, तुम यहीं अटके हो, वो तो वो बन गया, तुम यहीं हो, उसने तो कार खरीद ली, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा मत करें, ये आपके रिश्ते के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके पति जो भी करते हैं आप उसका सम्मान करें, उसमें सहयोग करें, उनको मोटिवेट करें। हर परिस्थिति में साथ देने की आदत तो समझ लीजिए सबसे बड़ा एक कहते नहीं है की पॉइंट है आपके रिश्ते का। समझ लीजिए सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। आप जब फेरे लेते हैं किसी भी मजहब में, जब शादी होती है तो एक बार यही सोचते हैं कि अब यही मेरा पूरा जीवन भर साथ निभाएंगे, तो जब साथ निभाते हैं ना तो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। जब सुख के दिन आते हैं तो दुख के लिए भी आपको तैयार ही रहना चाहिए। और अगर दुख का समय आया तो आप अपने पति पे बेवजह गुस्सा ना करें कि अरे तुम ऐसा ना करते तो ये दिन ना देखना पड़ता, मैंने तुमसे पहले ही कहा था ऐसे करो वरना ऐसी नौबत आ जाएगी, देखा मेरी बात सही हो गई ना, देखा आपने ऐसे नहीं किया तो ऐसे हो गया ना। तो शिकायत ही ना करें। अगर आपके ऊपर कोई ऐसा समय आ गया है जबकि आपके परिवार को एक साथ एकजुट होना चाहिए और आपको अपने पति का कंधे से कंधे मिला के साथ देना चाहिए, उनको हर तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, तो आप बिल्कुल उनका सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें और उनको आगे बढ़ने की सलाह दें कि देखो जो हो गया सो हो गया, अब बीती बात को बिसार दीजिए और आगे की सुध लीजिए, जो हो गया उससे कोई नहीं, अब जितना है हम उतने में ही काम चला लेंगे, आगे फिर हो जाएगा। तो लेकिन मैंने बहुत सी ऐसी लेडीज को देखा है जो हमेशा अगर कोई गलत हो गया, जैसे किसी की जॉब छूट गई या कभी कोई बिजनेस में नुकसान हो गया, तो तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं चलता, तुम तो हो ही बिल्कुल बुद्धू, तुम तो हो ही बिल्कुल लल्लू, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें। उतार चढ़ाव, भूल चूक ये सबसे होता है, आपसे भी होता है, लेकिन आप ऐसे बरस जाएंगे तो एक तो उस जो है इंसान की नौकरी गई है, वो खुद में अपने दिमागी रूप से बहुत परेशान है, और जो है दूसरी तरफ अगर उसका नुकसान हो गया है, घाटा हो गया है, तो उससे उतनी ही तकलीफ है जितनी कि आपको तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ को बांटें, बढ़ाएं नहीं। छोटे छोटे मौके ढूंढें एक दूसरे को खुश करने के। तो हमेशा हम क्या करते हैं ना कि हम सोचते नहीं आप ना हम लोग बहुत दिनों से कहीं बाहर नहीं गए, घूमने नहीं गए। बाहर का मतलब कुछ औरतों के लिए होता है कि जैसे हम गोवा नहीं गए, हम दुबई नहीं गए, हम यहाँ नहीं गए, हमें एक ट्रिप प्लान करनी चाहिए, लेकिन हस्बैंड के पास तो बेचारे के पास टाइम नहीं है, अगर टाइम है तो बजट नहीं है। तो ऐसे में आप छोटे छोटे मौके ढूंढ लेना,
अगर आपको मार्केट तक भी जाना है तो पति का साथ क्या बुरा है? अगर आप एक कॉर्नर पे चाट बतासे खा लेते हैं आपके पति के साथ, तो उसमें क्या बुरा है? वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट पल है जितना कि आप गोवा जाके एंजॉय करें। अगर वो चीज़ नहीं आपके पति कर पा रहे हैं आपके लिए, तो आप ये ना सोचें कि वो करना नहीं चाहते हैं। वो करना चाहते हैं लेकिन वो अभी उनके सामर्थ्य से बाहर है। तो आप अपना ये एक जो है तरीका अपना लें कि चलो वो ज़रूरी नहीं है वहाँ जाके, हम अपने पति के साथ यहीं पे खुशियाँ पा सकते हैं और प्यार से रह सकते हैं। अगर अपना ये नेचर आप डेवलप कर लेंगे ना, देखिएगा प्यार सम्मान दुलार सब कुछ आपको मिलेगा। आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, अपने पति के साथ उनके परिवार को भी प्यार और सम्मान दें। देखिए हम हमेशा औरतें हैं, हम अपने माँ बाप को छोड़ के, जबकि हमने शुरू से सुन रखा होता है कि ये हमारा घर नहीं है, हमारा असली घर क्या है, ससुराल है, हमें मेरे ये माँ बाप छूट जाएंगे, मेरा घर छूट जाएगा, हम पराए हैं, ये सब सुनते हैं, फिर भी क्या हम छोड़ देते हैं अपने माता पिता को? हम अपने माता पिता के लिए अपने ससुराल में इतनी बात भी नहीं सुन सकते, तहलका मचा देते कि आपने कैसे मेरे पापा को ये कहा, आपने मेरी मम्मी को कैसे ये कहा। उसी तरह एक पुरुष भी है, उसे भी अपने माँ बाप से उतना ही प्यार है जितना कि आपसे, उसे भी अपने परिवार से उतना ही लगाव है जितना कि आपको अपने परिवार से है। तो भूल से भी अपने पति के सामने अपने ससुराल वालों की बुराई ना करें, उनका तिरस्कार ना करें, उनका जो है मजाक ना बनाएं। अगर आपको कोई भी बात ऐसी लगती है जो आपको चुप जाती है, होता है ससुराल में, तो आप उसको अपने पति से एक तरीके से कहें, देखिए हमें ये बात नहीं अच्छी लगी, उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा, क्या आपको लगता है मैं ऐसी हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? आपके पति को वो बात ऐसे ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर आप इस तरीके से कहेंगे कि देखो तुम्हारी माँ ने ऐसे किया, तुम्हारी माँ के साथ जो है वो तो है ही है ऐसी, मतलब ये थोड़ा तरीका थोड़ा सा खराब है। तो जो है आपको अपने पति से जितना प्यार करना है, उतना ही उनके परिवार से भी करना है, उनके परिवार को भी उतना ही सम्मान देना है जितना कि आप अपने पति को सम्मान देते हैं। तो अगर आप मेरी दी हुई ये सारी टिप्स को अपनाएंगी, तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ आप सब बहुत अच्छे से पति पत्नी का रिलेशन डेवलप कर पाएंगे, अपने पति का प्यार पाएंगे, अपने पति को खुश रख पाएंगे और एक बहुत ही अच्छा दाम्पत्य जीवन जी पाएंगे। तो अगर मेरी ये टिप्स और मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो, मेरे सुझाव आपको अच्छे लगे हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने की बात तो मैंने पहले ही बोल दी, फिर एक बार बोल देती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलूंगी अपने ऐसे ही कुछ अच्छे और मज़ेदार वीडियो में या फिर अपने डेली व्लॉग्स में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप अपना खूब ख्याल रखेंगे और खूब खुश रहेंगे, वादा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में।